नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको घर में मौजूद 10 ऐसी औषधीय चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को सुधार सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस से बचने के लिए तमाम तरीके के उपाय लोग आजमा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर अंदर से ही शरीर मजबूत हो जाएगा तो इस संक्रमण का शरीर पर कोई असर नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर अंदर से मजबूती से हमारा मतलब ये है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम यानी कि जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी कहते हैं, अगर वो मजबूत हो जाएगी तो किसी भी प्रकार के संक्रमण को मात देने के लिए शरीर सक्षम हो जाएगा। तो दोस्तों, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ तरह तरह की सलाह भी दे रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन कौन सी घर में ही मौजूद चीज़ें होती हैं जिसे हम अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी औषधीय चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके घर के किचन में ही मौजूद होती हैं और इनके प्रयोग से आप खुद की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो चीज़ें कौन कौन सी है। तो दोस्तों, पहले नंबर पर आता है अदरक। जी हाँ, अदरक का इस्तेमाल आप अपने रसोई में खूब करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो कि कई बीमारियों से छुटकारा दिलाने में कारगर माने जाते हैं, क्योंकि यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। अगर आपको सर्दी है या फिर खांसी हो तो अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा आपको इन सारी समस्याओं से आराम दिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। इसका सेवन आप नियमित रूप से कर सकते हैं। आप चाहे तो अदरक वाली चाय या फिर अदरक को पानी में उबालकर काढ़े के तौर पर भी या सादा अदरक का टुकड़ा भी छोटा सा खा सकते हैं और इन सब प्रॉब्लमों से दूर रह सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरी चीज़ की। दोस्तों, दूसरी चीज़ है दालचीनी। जी हाँ, मसालों में मौजूद दालचीनी का इस्तेमाल आपने खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए तो कई बार किया होगा। दालचीनी खाने के स्वाद को बढ़ाने के साथ ही कई प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने का भी काम करती है। जी हाँ दोस्तों, दालचीनी का इस्तेमाल इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए भी किया जा सकता है। दालचीनी में कई प्रकार के ऐसे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। दोस्तों, दालचीनी का इस्तेमाल काढ़ा, चाय या पानी बनाने में किया जा सकता है। बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो कि है लौंग। दोस्तों, लौंग इम्यूनिटी बढ़ाने का एक अच्छा सोर्स है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। यह सेहत से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में काफ़ी कारगर साबित होती है। आपने अधिकतर सुना होगा कि खांसी हो रही है तो लौंग का सेवन करें, इससे खांसी सर्दी तुरंत ठीक हो जाती है। जी हाँ, लोग सर्दी खांसी से छुटकारा दिलाने के लिए लौंग को एक कारगर औषधि के रूप में जानते हैं। बात करते हैं अगली चीज़ की, जो कि है आंवला। दोस्तों, आपको बता दें कि आंवला विटामिन सी का एक बेहतरीन सोर्स होता है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है। दोस्तों, जहां एक ओर यह सौंदर्य लाभ के लिए जाना जाता है तो वहीं दूसरी तरफ इसके स्वास्थ्य लाभ भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है। दोस्तों, अगली चीज़ है अश्वगंधा। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेदिक औषधि अश्वगंधा कई रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए जानी जाती है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है। दोस्तों, बात करते हैं अगली चीज़ की, जो कि है लहसुन। दोस्तों, घर की रसोई में मौजूद लहसुन खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ भी कई प्रकार के हैं। अगर नियमित रूप से सुबह खाली पेट इसका सेवन किया जाए तो यह आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, साथ ही अन्य बीमारियों से भी दूर रखती है। अगली चीज़ है दोस्तों, तुलसी। जी हाँ, तुलसी के फायदे अनगिनत है, जिसे उंगलियों पर गिन नहीं सकते। यह आपको कई स्वास्थ्य लाभ देती है। सुबह खाली पेट तुलसी के सेवन करने से कई प्रकार के शरीर को लाभ होते हैं। तुलसी सर्दी जुकाम, बुखार, सूखा रोग, निमोनिया और कब्ज जैसी समस्याओं के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि मानी जाती है। बात करते हैं अगली चीज़ की, जो कि है हल्दी वाला दूध। जी हाँ दोस्तों, हल्दी वाले दूध के नियमित रूप से सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सर्दी खांसी जैसी समस्याओं से राहत दिलाने के लिए हल्दी वाला दूध बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। अगर नियमित तौर पर सोने से पहले इसका सेवन करके सोया जाए तो इससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है और इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। इसके अलावा अगली चीज़ है दोस्तों, ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। यदि इसका नियमित तौर पर सेवन किया जाए तो रोगों से लड़ने की क्षमता में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलता है।
चलिए दोस्तों बताते हैं आपको आखिरी चीज के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है दोस्तों गिलोय। जी हाँ, गिलोय इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। यह स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर रहता है। इसके सेवन से शरीर में संक्रमण से लड़ने की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे इम्यूनिटी मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है। तो दोस्तों कुल मिला के ये 10 प्रकार की ऐसी चीज़ें हमने आपको बताई है, जो आपको आपके घर में आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। केवल एक या दो चीज़ें आपको ढूंढनी पड़ सकती है, जो भी आपको आराम से कहीं पर भी मिल जाएगी। ये 10 चीज़ें दोस्तों ऐसी है जिनमें से किसी का भी आप चयन करें और उसका अगर आप सही तरीके से प्रयोग करें, तो इससे आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की जानकारी, जो होती है यहीं समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और पास में दिए गए इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ऑल के बटन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।